अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जब भी हमारा कोई भी ड्रेन ब्लॉक होता है, हम इस स्पीड ट्रैप के जरिए ही उस ब्लॉकेज को खोलने की कोशिश करते हैं। ब्लॉकेज इस हद तक ज्यादा हो तो प्रोफेशनल तरीका भी बता देता हूं, जिससे आप 100% अपना कोई भी ड्रेन क्लियर कर सकते हैं। मोस्टली जब पी ट्रैप बंद होता है तो हम इसके अंदर कोई चीज मारने की कोशिश करते हैं और वो आगे तक नहीं जाती। तो सबसे पहले हमें जो पहली कोशिश करना है वो किसी पानी वाले पाइप से करना है। मतलब ये पानी वाला किसी भी साइज का कोई आप पाइप ले लें, उसको उसका एक सिरा आप टैप के साथ लगाएं, दूसरा सिरा आप इसके अंदर घुसाएं। अब करना क्या है कि जब आप इसके अंदर घुसाते हैं तो वो इससे आगे नहीं जाता, तो आप यहीं पे उसको पानी खोल के तो इसको खोलने की कोशिश करते हैं, तो वो यहां से तो बिल्कुल भी नहीं फिर खुलेगा। इसके लिए हमें करना ये होता है कि इसको यहां से पकड़ के हाथ को अंदर ले जाके इस पीट ट्रैप के अंदर जो ये कर्व बना होता है उसके अंदर से यहां से पाइप को यहां से गुजार के हाथ से इसको पाइप को यहां से इस तरह आगे निकालना है। मतलब हमें हाथ से इस पाइप को इस जगह से गुजार के तो धीरे धीरे आगे लेके जाना है, और जहां तक जाता जाएगा हमें इसको ले जाते रहना है और टैप को इतना खोल के रखना है जिससे एक्स्ट्रा वाला ओवरफ्लो नहीं हो। मतलब जितना जितना जाता रहे फिलहाल हमें उतना ही खोलना है। जहां पे जाके इसकी बस हो जाए आगे ना जाए तो उस जगह पे हमें फिर इसको इस तरह हिलाना है, एक और पानी भी खोलना है और साथ में इसको ऐसे हिलाना है। 70-80% तो इस तरीके से ड्रेन खुल जाते हैं। अगर इस तरीके से ड्रेन नहीं खुलता तो फिर इससे नेक्स्ट लेवल पे आपके पास कोई हार्ड तार हो जो इस पाइप से ज्यादा वाली हार्ड हो, इस टाइप की हमें कोई तार चाहिए। अब जैसे हमारे पास ये एक तार है, हम इसे आगे से यहां से छील लेंगे और छील के जो इसकी तारें होंगी इसको हम फोल्ड कर लेंगे। इसको इस तरह फोल्ड करके तो हम एक अदद यहां पे इसका बंद बांध लेंगे इस तरह। और उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा हम इस तरह खोल लेंगे इस तरह, और फिर हम उसे इसके अंदर घुसा देंगे। मतलब कि अब इसको जहां पे भी ब्लॉकेज होगी वहां तक आप इस तार को ले जाएं, और जहां ब्लॉकेज होगी वहां आप इसको इस तरह बार बार मूव करेंगे। तो ये जहां पे बालों का गुच्छा होगा, मोस्टली बालों की वजह से बंद होता है ड्रेन, बालों का गुच्छा होगा या कोई गार के साथ या माचिस की जो स्टिक्स होती हैं उनके साथ कुछ ना कुछ फंसा होता है, वो इनके साथ यहाँ पे अड़ जाएगा। जब यहाँ पे अड़ जाएगा तो आपने फिर इसको कुछ देर हिलाने के बाद आपने इसको वापस खींचना शुरू कर देना है। फिर आप इसे जब वापस खींचेंगे जो इसके आगे ब्लॉकेज होगी उसको खींच के वापस ले आएगा, और ये वो सारा कुछ इसके साथ यहाँ पे लगा हुआ मिलेगा आपको। इस तरीके से भी बड़ी वाली ब्लॉकेज खुल जाती है। अगर आपके पास कोई तार वगैरह नहीं है तो आप इस तरह की तार लेके उसको इस तरह के आगे से ये आपने फ्लावर से बना लेने हैं। तो इसे हम किसी भी चीज के साथ अटैच कर सकते हैं, लाइक इस तार के साथ भी अटैच कर सकते हैं या फिर हम इस पाइप के साथ भी अटैच कर सकते हैं। मतलब आप इस तार को इस पाइप के साथ आपने इसको ऐसे लगा देना है। हमें एक तार थोड़ी सी लंबी रखनी है, एक थोड़ी उससे कम रखनी है और एक उससे भी कम, मतलब तीन स्टेप में हमें ये तारें लगा देनी है। और इसके ऊपर आप टेप भी लगा सकते हैं। फ्रेंड, इससे हमें दो फायदे होंगे, पानी का फ्लो भी साथ निकलेगा, एक ये जो तारे होंगी ये अपने साथ हर किस्म का गंद जो आगे नहीं जा सकता होगा वो उसको इसे उससे पकड़ के लेके अपने साथ पीछे खींच के लाएंगी। उसके बाद इन तारों की वजह से पाइप की स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जाएगी। तो इस पाइप को हम थोड़ा इस तरह मोड़ लेंगे ताकि हम इसे इसके अंदर से गुजार सकें। और फिर ये पाइप ये इसमें से गुजर गया। अब ये इसके आगे जो पाइप लगा होगा वो इसको खुद ब खुद सीधा कर लेगा और ये ऑटोमेटिकली ये आपके ब्लॉकेज की जगह पे ये ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। एक तो कोशिश करें गर्म पानी इसमें फ्लो करवाएं, गर्म पानी और इन तारों की वजह से बार बार इस तरह मूव करेंगे तो 100% ब्लॉकेज खुल जाएगी।
अब फ्रेंड मैं आपको प्रोफेशनल तरीका बताने लगा हूं जो किसी भी ड्रेन की बड़े से बड़ी ब्लॉकेज को 200% खोल देता है। तो उसके लिए आपने किसी भी टाइप की कोई स्टिक ले लेनी है, मतलब कोई डंडा, कोई स्टिक, किसी भी चीज की जिसको जिसकी आपके हाथ की ग्रिप हो जाए वो लेना है। और उसके साथ आपने घर से ही वेस्ट कपड़े ले लेने हैं और उनको थोड़ा फोल्ड कर लेना है। हमें सिर्फ एक सिर्फ देखना यह है हमारे कपड़ों की मोटाई इतनी हो जाए कि इसके अंदर इस तरह फंसने लग जाए। हमें जिस भी ड्रेन को खोलना है उसके पी ट्रैप के वाई के मुताबिक हमें एक इस तरह का कपड़ा बनाना है जो इसमें टाइटली फिक्स हो, जो इसमें इस तरह टाइट रहे, इसमें लूज नहीं हो। और उसके बाद हमें किसी भी स्टिक के ऊपर उस कपड़े को लगा लेना है। जैसे अब मैं इसके ऊपर ये लगा के तो फिर देखूंगा कि इसमें ये टाइट रहता है या नहीं। ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल टाइट आ रहा है। अब इसको मैं यहाँ पे किसी भी तार से बांध दूंगा। ये हमारे पास लोहे की तार है, हम इसे इसके साथ अच्छी तरह बांध देंगे। ये हमारे पास ड्रेन ओपन करने के लिए खुद का बनाया हुआ एक टूल तैयार हो गया है। अब सपोज करें कि ये ड्रेन बंद है, ब्लॉक है, क्लॉज्ड है, किसी भी सूरत ओपन नहीं हो रहा, हमारे किसी भी हरबे से ये ओपन नहीं हो रहा, तो हमें क्या करना है कि हमें इस पी ट्रैप के अंदर इसको नीचे लेके जाना है, उसके बाद एकदम ऊपर को खींचना है, फिर नीचे लेके जाना है, फिर एकदम ऊपर को खींचना है। इसके अंदर पानी होता है इसलिए इसके नीचे ले जाने से ये एयर टाइट हो जाता है, और जब आप इसको नीचे लेके जाते हैं तो इस साइड से पानी आगे को जोर लगाता है, और जब हम इसे वापस खींचते हैं तो यहां से वैक्यूम बनता है, और बड़ा ठीक ठाक किस्म का वैकम बनता है। इसके आगे वाले पाइप के अंदर किसी जगह पे भी ब्लॉकेज होती है तो वो मूव करती है, प्रेशर से पानी जाता है तो वो आगे को मूव करती है, वापस खींचते हैं तो वैकम के साथ वो पीछे को आता है तो वो मूव करके तो अपनी जगह छोड़ देता है। इस काम के करने से बड़ी ब्लॉकेज खुल जाती है। बस थोड़ा सा आपको कुछ देर तक इसको इसके प्रेशर को बनाना है और इसको वैकम करना है, इसको दबाना है, उसके बाद फिर बाहर को निकालना है, फिर अंदर को दबाना है, फिर बाहर को निकालना है। वैक्यूम बनता है, उसकी आवाज आती है, फिर साथ साथ पानी डालते रहना है, पानी के होते हुए आपने इसको इस तरह करना है। उसके बाद आपको इस टाइप की कोई बाल्टी या बाथरूम में नहाने वाली बड़ी वाली बाल्टी होती है उसको पानी से भर लेना है और धार बना के इसके अंदर पानी गिराना है। ये अमल आपने 8 से 10 दफा करना है, इससे बड़ी से बड़ी हर तरह की ब्लॉकेज रिजॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।